आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा इंग्लिश का रियल पेपर देखने वाले हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में जितना भी मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा, पूरे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लेते होते और आपका 75 में से 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है और आपका 70 नंबर पक्का है, पक्का कन्फर्म है कि यार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। पूरे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में भी सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ और रियल क्वेश्चंस पेपर को बताऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर ए है और गाइस मैं आपको बता दूं, जो सेट होते हैं ना, सेट के सेट ए भी अलग अलग होते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं ना सेम होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर अगल बगल होता है। ठीक है, तो पहला नंबर पहला का दूसरा में चला जाता है, दूसरा का पहले में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग सेट बी से हो फिर भी देखना, सेट ए से हो फिर भी देखना, तो सेट बी भी मैं प्राप्त करा दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग पहले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे, सेक्शन नंबर ए पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विगेन विलोंग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यार आपके पास पैसेज दिया गया है नीचे, इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस पैसेज को पढ़ना है तो आप लोगों से तो बन ही जाएगा। ठीक है, इस पैसेज को आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडियन सोल्जर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, आपको ऊपर पढ़ोगे तो समझ आएगा। ठीक है, हु इज ए सोल्जर। ठीक है, तो सोल्डर, इसके बाद आप लोग देख सकते हो तीसरे चौथे और पाँचवें नंबर क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे जो है ना इनका भरना है। ठीक है, तो इस भरने को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है और इस पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इनका जो अभी आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर भी प्राप्त कर दूँगा। तो दूसरे नंबर पे आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, सेम क्वेश्चन से पैसेज ही है, इस पैसेज को भी पढ़ के आंसर देना है। तो आप लोग देख सकते हो सेट नंबर ए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेट बी में आप लोग देखो यहाँ पे। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्लॉथ आर बेटर। ठीक है, तो कौन सा है, व्हाट सॉल्ड बी डू बिफोर एंड आफ्टर मैंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, तो पहला चौथा। ठीक है, तो जो पैसेज की क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हो चौथे पाँचवें छठवें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर बी पे। ठीक है, यहाँ पर भी पूछता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, केयरफुली एंड मैक नोट। ठीक है, नोट्स बनाना है, नोट्स समरी बनाना है। तो जैसे इस पैसेज को आप लोग पढ़ोगे ना, तो इस पैसेज में से जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उन टॉपिक को आपको एक नोट्स बना के लिखना है। ठीक है, तो समरी बना के नोट्स बना के लिखना है, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इसका भी आंसर, जो भी नोट्स का समरी है ना, इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी आप लोग देख लो। ठीक है, इस पेपर को पहले पढ़ो, उसके बाद मैं आपको लास्ट में आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो वाइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एस योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। जैसे आपका फादर का जो भी, आप जैसे आप जिस ज़िले में हो वहाँ पे आपके पिता जो काम वम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, आप भोपाल चले गए हो। ठीक है, तो स्कूल में TC लेने के लिए आपको आवेदन लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो एक एप्लीकेशन आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद OR पे आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट पे वाइट लेटर टू योर फ्रेंड मनांक। ठीक है, आठवें पे आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद हम लोग पाँचवें नंबर पे चलते हैं, वाइट एन ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है, तो एक क्रिकेट मैच। ठीक है, तो एक क्रिकेट लेटर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप लोग क्रिकेट मैच पे लिख लेना कि आपके जो भी, जैसे आई लव विराट। ठीक है, तो विराट के बारे में लिख देना, विराट कोहली के बारे में। उसके बाद आप लोग मैच में जो भी, मैच में कितने टीम होते, क्रिकेट में कितने लोग होते हैं, आप मैच को कितना पसंद करते हो, उसके बारे में आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे नहीं बनता है तो, अगर आपसे बनता है तो आप लोग जो ग्रामर में दिया है ना, ग्रामर में जाके आप लोग को लिख देना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं छठवें नंबर पे, वाइट एन आर्टिकल। ठीक है, तो एक आर्टिकल लिखना है ट्री के बारे में। ठीक है, एक पेड़ हो गया, उस पेड़ को देख के आपको इम्पोर्टेंट है ट्री। ठीक है, एक ट्री, जैसे ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लाइफ में, तो इस ट्री में जैसे शुद्ध जीवन, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि पेड़ जो है, ट्री है जो मेरे को फल फूल प्राप्त करता है और इससे शुद्ध हवा निकलती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको लास्ट में आंसर बता दूंगा, आंसर भी समझ लेना। उसके बाद आप लोग का तो 75 में 70 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तक आप लोगों ने इस पेपर को स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना।
उसके बाद सातवें नंबर पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सब टाइटल, ठीक है। तो इसको आपको सब टाइटल को कर देना है। तो देखो यू डैश डैश टू रिस्पेक्ट द एल्डर, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो। उसके बाद आठवें नंबर पे चलते हैं डू एस डायरेक्टेड पे, ठीक है। तो डू एस डायरेक्टेड आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो डू एस डायरेक्टेड किधर गया। पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, ठीक है। सातों को आप लोग देख सकते हो, अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम लोग नौवें नंबर पे चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर में आप लोग सेक्शन नंबर डी पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दसवें नंबर पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको कर लेना है आपको। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अभी तक आप लोगों ने नहीं लिए हो तो। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर आता है, रीड द फॉलोइंग, ठीक है। जो आपके पेपर में है ना, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। व्हाट इज नेम ऑफ द लेसन, ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज कौन से लेसन का है, ठीक है। व्हाट इज गांधी, ठीक है। इसको पढ़ोगे ना तो ये जो लिखा है ना, इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा तो कहाँ पे है गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, देखो यहाँ पे है गांधी, ठीक है। आपका हो जाएगा इंडियन था, ठीक है, इंडियन। यहाँ से यहाँ तक दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हु विल बिल्ड देयर ऑन इंडियन, ठीक है। तो बिल्ड के लिए यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा, ठीक है। इसको भी कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम लोग ग्यारह नंबर चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो हाउ वर्ल्ड आर मैरी एंड, अच्छे से नहीं दिखा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवें, छठवें देख सकते हो, सात क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से सिक्स को करना है। उसके बाद आपका बारह नंबर पे आ जाता है। तो बारह नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से पूरे को कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और पूरे क्वेश्चंस को कर डालो, ठीक है। और अभी तो टाइम बचा हुआ है कम से कम 7 दिन का, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ डालो, दिसंबर में पेपर होगा, ठीक है। तो इनको, इन पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ डालो। और ये जो आंसर है ना, और क्वेश्चन थोड़े बहुत छूट गए हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ला दूंगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट करना पार्ट टू, ठीक है, कमेंट करके बता देना पार्ट टू वीडियो में ला दूंगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अगर आपको ये जो पेपर है ना, इस पेपर का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप लोग फटाफट से जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।